अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ डिनर। डिनर में मैं बनाऊँगी मटन का सालन। चलें आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है मटन तकरीबन 1.5 किलो। मटन मैं आज बनाऊँगी मिट्टी की हांडी में। ये कढ़ाई ही लेकर आई हूँ मैं बाज़ार से, आज मैं इसमें मटन बनाऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें बनाने लगी हूँ, तो इसकी एक दो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं। टिप इसकी जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि जब भी मिट्टी का कोई नया बर्तन, हंडिया या कोई कढ़ाई वगैरह लेकर आएँ, तो उसको जब आप वॉश कर लें, उसके बाद आप जब उसमें खाना बनाने लगें, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 1 चम्मच लेकर, तो उसको अच्छे से सारी कढ़ाई को या हंडिया को ग्रीस कर लें और बाद में फ्लेम ऑन करें। ये देखिए जी, कढ़ाई अच्छे से ग्रीस कर दी है मैंने। इससे ये होगा कि आप जब भी खाना बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई को कोई टूटने का डर नहीं होगा। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, अब हम इसमें डालते हैं मटन। तकरीबन 1.5 किलो मटर है, इसमें 3 से 4 मैंने प्याज काट लिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे। 3 से 4 जो है मैंने टमाटर काट लिए हैं, वो डाल देंगे इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। टमाटर और प्याज डाल दिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 चम्मच नमक का। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास पानी। एक ग्लास और पानी का डालूंगी मैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, इसे अच्छे से मिक्स इसे कर लें। अब हम इसे ढक देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अब मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। चलें जी, 25 मिनट हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको हल्के चूल्हे पे रखा था। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त जो है गल चुका है। अब मैं इसे अच्छे से इसका पानी जो है इसमें उसे खुश्क कर लूँगी। ये देखिए जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के। दही अच्छे से फेंट के डालिएगा, और जब दही डालें
तो चूल्हा बिल्कुल हल्का करके डालिएगा, उससे फिर दही फटता नहीं है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुना गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 सब्ज मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच 7 मिनट इसे मैं अच्छे से भून लूँगी और ये इसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके साथ मैं सर्व करूँगी आज रोगनी नान साथ कोको कोला। ये देखिए जी, माशाल्लाह से तैयार हो गया है हमारा सालन। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूँगी। वाओ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है बन के। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा सालन जो हो गया है वो तैयार। साथ ये है रोगनी नान, थोड़ा सा खीरा और साथ दही का रायता। अब मैं आपको ये चेक करके बताऊंगी कि कैसा बना है सालन।